Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about 10 top uses of OTG cables. How we can actually use this OTG cable with our phone, and which are the devices which we can use with our Android phone using OTG cable. My name is Rizwan and you are watching my channel Architect. Okay, let's start video now. वो लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहेंगे। हर तरह की वीडियोस टेक्नोलॉजी के हवाले से, मोबाइल्स के हवाले से, टिप्स और ट्रिक्स, और इसके अलावा जो फ्री इंटरनेट के तरीका कार्स होते हैं टेलीनॉर के या दूसरे सिम्स के ऊपर, आप फ्री इंटरनेट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केबल जो है ये एक ओटीजी केबल है। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कनेक्टर है वो यही इस्तेमाल होता है। आप इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो दूसरी साइड के ऊपर इसके अंदर एक यूएसबी जो है यूएसबी अटैच हो सकती है। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आज वही इस्तेमाल आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके के साथ हम इस ओटीजी केबल से फायदे उठा सकते हैं। आज वही फायदे आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से आप इससे फायदे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बाकायदा तौर पर आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये फोन है हमारे सामने, फोन आ चुका है। तो पहली चीज जो हम इसके साथ सबसे पहले तो हम जो अपनी ओटीजी केबल है अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर अटैच करते हैं। तो ये ओटीजी केबल जो है फ़ोन के साथ अटैच हो चुकी है। हम सबसे पहली जो चीज़ हम इसके साथ अटैच करेंगे वो है कीबोर्ड। हम अपने फ़ोन के साथ एक कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं और अपनी जो टाइपिंग है उसको बिल्कुल आसान बना सकते हैं। ये कीबोर्ड अटैच हो चुका है। हम यहाँ पर मैसेज टाइप कर लेते हैं जो कीबोर्ड के इस्तेमाल के जरिए हम यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कीबोर्ड के इस्तेमाल के जरिए। इसी तरह हम जो अपने मोबाइल के साथ कीबोर्ड के अलावा दूसरी जो चीज़ अटैच कर सकते हैं वो है हमारा माउस। मोबाइल के साथ हम एक माउस अटैच कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको ओटीजी केबल के साथ कनेक्ट करते हैं सिंपली। तो माउस कनेक्टेड हो चुका है। हम माउस के इस्तेमाल के ज़रिए एरो को मूव कर सकते हैं। ये देखिए, माउस यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये एरो यहाँ पर मूव कर रहा है। कोई भी चीज़ हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं माउस का इस्तेमाल करते हुए। माउस के इस्तेमाल के ज़रिए मैं यहाँ पर गूगल ओपन कर रहा हूँ तो ये देखें, यहाँ पर गूगल ओपन हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है काम। हम अपने मोबाइल के ऊपर ये देखें माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो तीसरी चीज़ इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल के साथ जो है यूएसबी अटैच कर सकते हैं। ये देखें, ये जो यूएसबी है हम अपने ओटीजी केबल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इसके साथ हम यूएसबी अटैच कर लेते हैं। इसके साथ मैंने यूएसबी अटैच की है। तो ये USB आ चुकी है यहाँ पर। ये देखें, ये 7.23 GB शो कर रहा है। ये USB स्टोरेज है और आप देख सकते हैं यहाँ पर USB का सारे का सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा जो चीज़ हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं, एक हमारे पास जो मेमोरी कार्ड रीडर होता है, मेमोरी कार्ड रीडर हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मेमोरी कार्ड रीडर जो है हमने अटैच कर दिया है अपने मोबाइल के साथ। अगर हम इसके अंदर मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो मेमोरी कार्ड जो है वो यहाँ पर शो होगा, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर हमने कोई मेमोरी कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखें, इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। तो आप अपने मोबाइल के साथ ये एक मेमोरी कार्ड रीडर भी अटैच कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम जो नेक्स्ट चीज़ इसके साथ अटैच कर सकते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। हम अपने मोबाइल के साथ कैमरा है वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये जो कैमरा है डिजिटल कैमरा, आप इसके साथ जो पिन होती है वो इसके साथ ये लगती है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। और जो दूसरी पोर्ट होगी वो इसके अंदर यानी ओटीजी केबल के अंदर लगेगी। ये वाली केबल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं इसको आपको दिखाने के लिए आपको बताया है कि आप इसको भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एक मोबाइल फ़ोन से आप अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन को इससे चार्ज भी कर सकते हैं। यानी
ये जो मोबाइल है आप इसको अपने इस ओटीजी केबल के साथ अटैच करें और दूसरे मोबाइल को, यानी जो मोबाइल आप चार्ज करना चाहते हैं जिसकी चार्जिंग कम है, वो आप अपने मोबाइल के साथ इसको अटैच करेंगे तो जो चार्जिंग है इसके साथ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। यानी आप अपने एक फ़ोन के साथ दूसरे फ़ोन को इसके ज़रिए चार्ज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे यहाँ, आप हमारे पास जो कंट्रोलर है, वीडियो गेम कंट्रोलर, ये भी हम अटैच कर सकते हैं हम अपने मोबाइल के साथ, और जो गेम्स हैं हम अपने मोबाइल के ऊपर इसके ज़रिए भी खेल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि हम अपने मोबाइल के ऊपर जो गेम्स हैं वो हम एक्सटर्नल रिमोट के साथ खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डिवाइस ऑन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स ऑन है, आप इसका इस्तेमाल करते हुए गेम्स भी खेल सकते हैं। आप अपने मोबाइल के ऊपर जो गेम्स होती हैं इसका इस्तेमाल करते हुए भी खेल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई गेम इंस्टॉल नहीं है तो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप जो वीडियो कंट्रोलर है आप सस्ते से सस्ता 100-150 का कंट्रोलर लेकर इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये सोनी का है, यानी PS3 के साथ जो अटैच हो जाता है, ये देखें मोबाइल के साथ अटैच हो चुका है। आप इसको मोबाइल के साथ भी अटैच कर सकते हैं गेम्स खेलने के लिए। जो कूलेस्ट फीचर मुझे लगा है ये हार्ड ड्राइव है, 500 GB की 2.0 है, 500 GB की हार्ड ड्राइव हम अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा है। यानी बहुत ज़्यादा डाटा हम अपने मोबाइल के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल की मेमोरी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें डिवाइस मैंने अटैच कर ली है, ये इसके साथ अटैच हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो 465 GB ये यहाँ पर शो हो रही है हमारे पास। तो ये 98% फुल है, आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो डाटा है वो भी। तो ये आप देख सकते हैं उसके अंदर जो डाटा है वो भी शो कर रहा है। तो हम इसके ऊपर जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो 500 GB की एक्सटर्नल ड्राइव है उसको मैंने अपने मोबाइल के साथ अटैच कर लिया है, बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ज़्यादा डाटा को हम इसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम अपने मोबाइल के साथ OTG केबल के ज़रिए अटैच कर सकते हैं। जो एक फ़ैन होता है, एक्सटर्नल फ़ैन होता है, हम अपने मोबाइल के साथ वो भी अटैच कर सकते हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा एक लाइट होती है एक्सटर्नल लाइट जो 100-150 की मिल जाती है, वो भी हम अपने मोबाइल के साथ इस केबल के ज़रिए हम अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने मोबाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। एक्सटर्नल CD-ROM होता है जिसको OTG केबल, यानी इसके ज़रिए हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।